योर फ्रेंडली नेबरहुड द रिव्यूअर पावर्स इज बैक। वीडियो स्टार्ट करिए। तो आज वीडियो के थंबनेल में आपने जैसे देखा, मैंने मास्टरपीस लिखा है सीरीज को। क्यों लिखा है वो तुम्हें समझ आएगा, अब मैं रिव्यू करना चालू कर रहा हूँ। तो पंचायत उन्हीं कुछ खास सीरीज में से एक है जो मैं एक साथ लगातार देख लेता हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता कहाँ गया टाइम। इसका पहला सीजन भी ऐसा हुआ था कि मैं अपने कजन भैया के घर पर गया हुआ था और मैंने एक पूरी रात पंचायत का सीजन देखा था अमेज़न प्राइम पे। वो पहली बार था जब मैंने किसी के मेंबरशिप पे कुछ देखा। वैसे मेरे पास मेंबरशिप है नहीं ना, इसलिए थोड़ा समझो अभी गरीबी के दिन। मैं लिटरली पूरी एक एपिसोड में लास्ट में हमें सचिव जी दिखाई जाते हैं, जो मेन कैरेक्टर है एक तरीके से, जिसके आसपास स्टोरी को रखा गया है, प्लॉट जिसके आसपास घूमता है वो बंदा, एक पूरे एपिसोड में लास्ट के 15 मिनट में दिखाया जाता है। मतलब इतना कम रोल है उसका, वो एपिसोड भी 45 मिनट का शायद, और उसमें बहुत ही कम दिखाया गया। 15 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल दिया, 5-10 मिनट का ही रोल है उसमें पहले एपिसोड में। बट जो स्टोरी है ना वो तुम्हें फील नहीं होने देती कि उसकी ज़रूरत अभी है इस जगह जहाँ ये स्टोरी चल रही है। वहाँ दिखाई जाती है कि भाई विलेज में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, उसको हटा दिया गया तो एक नया आया है, उसको कैसे हटाएंगे, क्या होगा, वो सब चीज़ें ऑन पॉइंट बैठती हैं। मतलब तुम जब वो बोल रहा होता ना कि चल बास का डंडा ले गया, और वो लेके आता है, वो कन्वर्सेशन मजा देती है, तो तुम सोचते ही नहीं हो। मतलब इसकी राइटिंग एक बहुत ऐसी चीज़ है जिस पर एज अ ऑडियंस तुम संकोच जो होता ना कि सोचोगे नहीं कि अरे यार ये थोड़ा ऑफ टॉपिक नहीं चले गए, वैसा वाला सीन नहीं होता है यहाँ पर चीज़ों के साथ। और टेरर ऑफ प्रहलाद जी हमें फर्स्ट एपिसोड में दिया जाता है कि भाई अब वो कुछ बड़ी चीज़ हो चुके हैं, वो पहले भी बड़ी चीज़ थे बट अब और भी हो गए हैं, क्योंकि जो रिस्पेक्ट मिल रही है गाँव वालों की उनको, वो अचूमनी है, वो गगन चुंबी है, मतलब उसको छूना मुश्किल ही है और गाँव वालों के लिए अभी तक। तो जो हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि भूषण उसको इन्फ्लुएंस करता है, और फिर जो नया सचिव है वो ताला तोड़ने निकल जाता है, उसका हथौड़ा लेके, ठीक है, और फिर सचिव जी वापस आते हैं अपने ड्यूटी पे। और वो जो शॉट है ना, मतलब तुम देखोगे जैसे बाइक से वो आ रहा होता है खुश होके, वो पहली मूवी का बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब जो जब वो आता है, पहली मूवी कह रहा हूँ, पहले सीजन में बिल्कुल ऑपोजिट चलता है ये, जब वो आता है वो थोड़ा दुखी सा होता है, नर्वस होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बार वो बिल्कुल ही वो चीज़ें सोच के, क्योंकि वो जाना चाहता है मन से, उसको वो जगह पसंद है। दो मेन रीज़न की वजह से, एक तो लोग और दूसरा भी एक इंसान ही है, रिंकी, यू नो। और जो प्रहलाद जी की कंडीशन है उस पर दुख तुम्हें दिखता है। मतलब एक जो शॉट है, वो स्टैब्लिश शॉट है जब उसके घर को दिखाया जाता है, स्टैब्लिशिंग शॉट नहीं है सॉरी, वो दिखाया जाता है कि वो दारू पी के पड़े रहते हैं शुरुआत में दो तीन एपिसोड में, और उसके बाद दिखाया जाता है जब वो आवास योजना का जो कांड हो रहा होता है एक ही घर में, और फिर उसकी अम्मा को लेके जब प्रहलाद जी अपने घर जाते हैं कि अम्मा देखो घर और इमारत में कितना फ़र्क होता है तो मैं आज दिखाता हूँ आओ। जब लोग नहीं होते ना वो इमारत किसी काम की नहीं लगती, वो दिखाते हैं जो एकदम से पहले फेस पे कैमरा होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है अभी, और फिर एकदम से ये जो दिखाते हैं ना कि पीछे से क्या भाई यहाँ कुर्सी पड़ी है टूटी हुई है, यहाँ वो पड़ा है, वो चीज़ हिट करती है इंसान को सबसे ज़्यादा कि भाई क्या ही हो गया था। वो उसकी मेंटल कंडीशन को दिखाती है कि कितना ज़्यादा अफेक्ट होता है इंसान लिटरली ही। ऐसा नहीं है कि तुम भूल जाते हो, मतलब स्टोरी में तो वैसे ही नहीं भूलोगे तुम, बट इन रियल लाइफ भी ट्रॉमेटिकल होती हैं चीज़ें। सिटीज़ के लोग हैं ना, मतलब यहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे भी या कहीं पे भी मान लो, तो वो जो लोग हैं ना उनमें अटूटता नहीं है, मतलब वो टूट जाएंगे तो फिर वो अलग ही बिखर जाते हैं। जबकि अगर तुम गांव देहात में जाओगे तो तुम्हें एक चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट दिखेगी लोगों के अंदर, के चाहे वो एक दूसरे पे कुछ भी लड़ाई हो जाए, बहुत तगड़ी वाली कह रहा हूँ मैं, जो होती है ना कि लठवट बच जाए एक दूसरे पे, बट एट लास्ट फैमिली एज अ होल पे अगर कुछ भी आ जाती है तो वो सारे साथ खड़े ही होते हैं, क्योंकि वो है उनके अंदर, वो हमेशा से भरा हुआ है कि अगर ये मेरा भाई है मैं उसको कुछ भी कह सकता हूँ, बट तीसरा कोई हाथ तो दूर की बात है, मुँह ही नहीं चला सकता मेरे भाई के सामने, ठीक है, ये वाला सीन रहता है, ये सच है। और फिर ये जब चीज़ें होती हैं, जब हमें दिखाया जाता है इमोशनल साइड थर्ड एपिसोड में प्रहलाद जी का, और वो जो एक फिफ्थ एपिसोड में पहली लाफ सुनते हैं, मतलब वो जो इतना नहीं होता फनी, तुम्हें भी पता है इतना खास फनी नहीं था, बट वो इतना इम्प्रॉम्प्टू था ना, मतलब कि जब वो होता है उसके बाद उसको और भी अच्छा करने के लिए जब अपने विधायक जी उस जोक को और अच्छा करने के लिए उसको एग्जैजरेट करते हैं कि हाँ भाई ऐसा थोड़ी है, वो जो एक्शन करते हैं ताकि और हंसी आए, वो पहली बार हंस रहा था, तुम सोचो कि शायद से वो इतने टाइम के बाद हंस रहा था, मेरे को टाइम लाइन याद नहीं है, मतलब एक महीना दो महीने के बाद बंदा हंस रहा है, इससे ज़्यादा है तो बताना कमेंट सेक्शन में, मेरे को याद नहीं है।
बट तुम सोचो उसकी पहली हंसी आई है भाई बंदगी इतने सीरियस ट्रॉमा के बाद के। और विधायक जो विधायक का पूरा पूरा एज अ पूरा जो लिखा गया है भाई उसको क्या ही लिखा गया है, वो इतना टेरर के साथ साथ जो कॉमेडिक है ना उसमें चीज़ें कि वो पूरा प्लान बनाता है ठीक है, उसके बाद जो हक जाता है उसके उस पर भाई प्लान पे गंदा ही गंदा बिल्कुल। देखो सोचो तुम एक तुम्हारे पे एक केस चल रहा है जिसमें तुम्हें कहते हैं कि तुमने कुत्ता खा लिया है ठीक है, उसको उससे तुम्हें बचने के लिए तुम एक जगह जाते हो, एक गाँव में जाते हो और वहाँ आप खुद ही प्रस्ताव रखते हो कि मैं एक सफ़ेद कबूतर उड़ाऊँगा, पीस ट्रीटी साइन कर ली हमने ऐसे ठीक है, आप कबूतर मंगाते हो, कबूतर सफ़ेद नहीं निकलता है, आप फिर भी रो रहे होते हो, उसके बाद जब आप कबूतर को धक्का देते हो तो कबूतर ही डेड हो जाता है, मतलब किस्मत किसी की लिखी गई है ख़राब चीज़ से तो वो ये है, और क्या लिखी गई है बाय गॉड। और वो जो गांव के मेहमान जीजा जी दिखाए जाते हैं रिंकी के, मतलब उसके दोस्त के पति, जो पहले सीजन में रूठ जाते हैं कि उसी की चेयर नहीं दे सकते तुम भाई, और वो सचिव जी बोलते हैं कि वो एक लाइन में बंदे का दिन बिगाड़ सकता है, बट सोचो वो इतना अंदर से इतना प्यारा आदमी है बताओ, सिर्फ एक सॉरी की बात, सॉरी भी नहीं बोला बता, उसको थैंक यू बोला एक काम के लिए, उसने थैंक यू सुनते ही भाई की सेटिंग करानी चालू कर दी, ठीक है भाई आपने थैंक यू बोला आप पीछे बैठो आप, अरे बैठी बैठी किसी को नहीं बताएंगे, अरे बैठी, फिर वो रिंकी के साथ बैठ के जा रहे हैं, वो भी माहौल है, और लोगों को अलग अजीब लग रही होगी लव स्टोरी, मेरे को नहीं लग रही, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है ऐसी लव स्टोरी में जो होती है ना कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलनी है चीज़ें, एकदम से फास्ट फॉरवर्ड नहीं, मेरे को ऐसी जो कम कम मतलब हो रहा है प्यार पर एकदम से नहीं हो रहा वो वाला सीन, मेरे को फेज या सीन वो पसंद है स्टोरी में अगर आता है ना तो अच्छा सा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि अपना ही चल रहा है जो भी चल रहा है, अपना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है अपने पर्सनल ग्रजेस बाद में निकालूंगा कहीं। और ये तुम्हारी लाइफ में वो शो है ना, तुम अगर 3 साल बाद पहले देखा था इसके दूसरे सीजन या जो भी है, बट तुम आज उसको देखो तो प्यार इस एक वो मिठास है ना, तुम बहुत मसाला देख लिया, तुमने मास मसाला बहुत ज़्यादा देख लिया होगा इन कुछ टाइम में, बट एक वो मिठास चाहिए होती है जीवन में, तो जो मिठास है वो जीवन में घुल जाए और पता भी ना चले, वो है ये पंचायत सीजन 3, तो अगर तुम्हें देखना है तो ज़रूर देखना भाई, और मैंने तो इतना कह ही दिया अब तो तुम देखो भाई। और विलन से सिंपथाइज कराते हैं, फिर उसके बाद जो दिखता है कि लड़ाई होने जा रही है, मज़ा आने वाला है, बंदूकबाजी होगी, प्रहलाद जी ऊपर टंकी पे चढ़े हुए हैं, जो आएगा उस पर क्यों कर देंगे मजा ही, पर हुआ नहीं है ठीक है, पूरा गांव एक है हम सब एक हैं वाली अटूटता जो है ना वो दिखाई जाती है फिर लास्ट में, जो कि स्टोरी का बैकग्राउंड है ये। और इसके बाद अब जो चीज़ें हैं, अभी थोड़ी लंबी हो गई होगी वीडियो बट मैं उसको बिल्कुल सोच के नहीं चल रहा क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ सब दिल से आ रहा है अभी। और उसके बाद जब एक गोली पड़ जाती है और सचिव जी पेपर दे के वापस आते हैं, और फिर जो आग बबूला होता है सचिव, वो तो मेरे को लग रहा था वो जैसे ही उससे बात करके हॉस्पिटल से बात करके सीधा निकलेगा और वो जाएगा विधायक के घर और फिर उसमें चाटे भर के आएगा, बट विधायक जी खुद आ गए इतना मान सम्मान लेने कि हम मिलने जा रहे हैं थोड़ा अंदर, तो उसने कहा क्यों भाई अब क्या करना चाहता है, अब क्या गोली मारना चाहता है, और फिर उसके कान के पास सचिव के कान के पास ज़्यादा उड़िए मत विधायक जब कहता है, तो देखो तुम्हें भी पता है कि देखो गर्म तो होने वाली सिचुएशन, तुम्हें भी पता मेरे को भी पता, बस वन राकत जब मुँह खोलता है और जो छाटा पड़ता है भाई, लिटरली मेरे मुँह पे गाली थी और मैं खुशी से चिल्ला रहा था ठीक है, एक छाटा पड़ा और जो क्या बताऊँ, मतलब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, यहाँ मैं खुश हो गया था बहुत ज़्यादा ठीक है, फिर वो जो लाइट जब ये थप्पड़ पड़ता है तब तो मैं लगता है कि गुस्सा आ रहा है ठीक है, फिर एकदम से जो कुछ भी करने लग जाते हैं, डंडा उठा के कैसे भी मार रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस वो करा गया हो, ये मार ही रहे हैं भाई, सचिव चालू हो गया है अब वो मारेगा ही, प्रधान हो कोई भी हो प्रधान को डंडा लग जाता है तो वो डर तो रहा होता है कि भाई जॉब चली जाएगी, पर अब उसकी वैसी लुपलुपा नहीं रही कि अब जो होगा देखा जाएगा, फिर लास्ट में हमें पूरा पता चलता है कि ये जो पूरा सीजन है वो बस एक चीज़ का टीजर था जो कि है पंचायत इलेक्शन। तो हाँ सीरीज बहुत ही बढ़िया है, मतलब सीजन 4 में पंचायत इलेक्शन होंगे तो तुम्हें पता है कि कौन जीतने वाला है, भूषण का थोड़ा पक्का नहीं है, मेरे को तो लगता भूषण जीतेगा, बट क्योंकि उसको ना गांव अब हेट सा कर रहा है क्योंकि उसने यूनिटी तोड़ने की कोशिश करी, अब तो एक बंदे को मरवाने की भी कोशिश कर दी, तो उसको वोट नहीं डालेंगे, तो जीतने वाला अगर या तो एक तीसरा बंदा आ जाए खड़ा हो जाए, मिलते हैं सीजन 4 के साथ या सीजन 4 में कभी देखेंगे उसको, तो अभी मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी ना से दुरुस्त रहना और करते रहना सब्सक्राइब, क्योंकि अच्छा लग रहा है भाई तुम प्यार दिखा रहे हो, और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं लॉन्ग फॉर्म
क्रिएटर ही रहना चाहता हूँ मैं, शॉर्ट में घुसूंगा बट मेरी खुद की वो नहीं है, ऐसा है नहीं कि मैं शॉर्ट फॉर्म में बूम मार जाऊँ, फिर मैं अपनी ऑडियंस जो है ना ये लॉन्ग फॉर्म वाली चाहे कम ही हो धीरे धीरे ही ग्रो कर रही है, बट ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं धीरे धीरे ही ग्रो चलेगा मुझे, बट मेरे को ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए जो मेरे को बाद में ऐसा लगे कि मेरे पास बंदे तो 3 लाख हैं दिखाने को बट देखने वाले 1 लाख ही जो लॉन्ग वीडियोज देखने, तो मेरे को वो नहीं चाहिए तुम लोगों से। तो मेरे को प्यार दो ऐसा जो मेरे को याद रहे, और तुम्हें भी मैं ऐसा ही दूंगा ही। अच्छी वीडियो यही थी, और थैंक यू गाइज अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा है, और मतलब दिल से अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, और तुम बड़ी क्यूटी हो, ठीक है, अब ज़्यादा बोलूँगा तो बह जाऊँगा इसलिए, ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है, बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो और मज़े लेते रहो, मास्टर पीस है भाई, देखना ज़रूर, और जो ना देखे उसको पकड़ो और 2 चार्टे रखो और उसको दिखाओ कहीं से भी दिखाओ।